हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, शाहरुख खान हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और लोगों का दिल जीत लिया। शाहरुख खान के फैंस उन्हें 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें बड़े पर्दे पर देखकर काफ़ी खुश हुए थे। वहीं अब इन दिनों किंग खान अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट डंकी को लेकर लाइमलाइट में है। डंकी के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसे आपको देखनी चाहिए। हम आपको बताते चले तो शाहरुख खान की इस साल की 2 फिल्में रिलीज होगी जिसमें डंकी और जवान है। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित डंकी के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई है जिसके शूटिंग वो पुणे में कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां एक्टर ने एक गाने की शूटिंग कॉलेज में की है। इसके वीडियोज उनके फैन क्लब ने शेयर किया है। वीडियो में किंग खान अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चले तो फिल्म डंकी में तू ही मेरी दुआ ते रब तू मेरा एक सॉन्ग है जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ दी है। इस मूवी में उनके साथ तापसी पन्नू भी हैं। कुछ समय पहले शाहरुख खान ने वीडियो पोस्ट कर इसकी रिलीज डेट बताई थी। वहीं हम आपको बताते चले तो शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को आप 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में देख सकते हैं। इटली की फिल्म जवान का पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसमें किंग खान के किसी बेंच पर बैठे दिखे थे और उनके चेहरे पर खूब सारी पट्टियां बंधी हुई थी। एक्शन से भरपूर ये फिल्म अगले साल 2023 में रिलीज होने वाली है। इसमें विजय सेतुपति एक नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर शाहरुख खान की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो वो जवान और डंकी मूवी में नजर आने वाले हैं जिसका फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो जवान और डंकी फिल्म को लेकर अक्सर वीडियोज और फोटोज वायरल होते रहते हैं और फैंस इसके हर एक अपडेट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डंकी फिल्म को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।